तकरीर तो आप उलमा से सुन रहे हैं और सुनेंगे। एक दो बातें जो है जो मैं जरूरी समझता हूँ। यहाँ जिस तकरीर से, जिस मजलिस से, जिस मस्जिद से, जिस इदारत उम्र सूर से मना किया जाए समझे तो वो दुरुस्त नहीं हुई। और जहाँ से आपको हुबे रसूल, इश्के रसूल के असबाब मिलते हैं वो समझे आप दुरुस्त। और अपना मसलक जो है उसको मजबूती के साथ थामना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन आप सुननी है दूसरे दिन आप कोई और, ये बात मुनासिब ना। आला हजरत भी अपने जमाने के अजीम मुजद्दिद गुजरे हैं जिन्होंने हर मौजू पर किताबें लिखी हैं और 1000 से ज्यादा उनकी किताबें और उनकी किताबें जो हैं अब उन पर बाद यूनिवर्सिटियों में बहुत से लोग जो हैं वो डिग्री पर काम कर रहे हैं और PhD का सिलसिला जो है शुरू कर रखा है। तो ये कहना कि फलां शख्स जो है वो बरेलवी है और बरेलवी जो है वो बिद्दत वाले हैं, ये है वो है, आला हजरत साहब बरेलवी की शख्सियत वो है कि जिस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान में मुस्ताफानी रसूल जिनमें ईसाई मिशनरी हिंदू शामिल थे और किताबें लिख रहे थे और जगह जगह वो जलसे कर रहे थे हुजूर की शान में, दीन इस्लाम की शान में, किताबुल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे थे, फर्द वाहिद है जिसने आवाज उठाई और सबका मुकाबला किया आला हजरत को शख्स। हम आला हजरत के ममनून है, मशहूर है, उनका कौम मुस्लिम पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने औखे मुश्किल वक्त में मुसलमान को ऐसे अंदाज से उठाया कि आज मुसलमान दुनिया में हुबे रसूल से मुतसर होकर जगह जगह नारे लगा रहे हैं और रसूल की शान में मिजाज निकाल रहे हैं। अल्लाह ताला हमें अपने दीन से आशनाई वकीयत अता फरमाए। और मैं आपकी जो इंतजामिया है उसका ममनून हूँ और मौलाना साहब जो इस मस्जिद के खतीब हैं उनका भी ममनून इंसान हूँ कि आपने इस मस्जिद की रौनक को दोबारा किया और आपके जितने भी नवाजी हैं वो बड़े देखते हैं और उन्होंने लाखों पाउंड जो है वो खर्च किए इस मस्जिद की रौनक को दोबारा करने के लिए। और साथ साथ आप शायद जानते होंगे कि एक बड़ी जगह जो है वसी किस्म की वो खरीद कर वहाँ आपकी सहूलियात के लिए ये काम करना उसके बेहतरीन में अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं। अल्लाह ताला इनको इस काम से दस्त और पौधा भरा होने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया।